छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कल शुरू हुए रामायण महोत्सव में देशी और विदेशी कलाकारों ने रामकथा के अलग अलग प्रसंगों का मंचन करके लोगों का मन मोह लिया। इस महोत्सव में देश के 14 राज्यों के कलाकारों के अलावा कंबोडिया और इंडोनेशिया के कलाकार भी भाग ले रहे हैं। दिल्ली के पुराने किले में महाभारत काल के अवशेष की तलाश हो रही है। पुराने किले में तीसरे चरण की खुदाई का काम शुरू हुआ है। यहाँ महाभारतकालीन अवशेष मिलने का दावा किया गया है। किले में खुदाई के दौरान अब तक 2500 साल पुराने ऐतिहासिक सामान मिले हैं। इनमें बैकुंठ, विष्णु, गजलक्ष्मी, भगवान गणेश की मूर्तियां, राज मुद्रा, अलग अलग समय के सिक्के, आदमी और जानवरों की हड्डियां शामिल हैं। साथ ही लोग समय समय पर जहां जिंदगी गुजार रहे हैं इसका प्रमाण भी मिला है। गुजरात के राजकोट में कल से बागेश्वर धाम के महंत कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार शुरू हुआ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस दौरान लोगों को राष्ट्र का मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ जातिवाद पर रोक लगाना है और राम राज्य को लाना है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर और हनुमान मंदिर में भी दर्शन किए। और पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर पैदल चलने वालों को चलने का अधिकार यानी राइट टू वॉक मिलेगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका का निपटारा करने के बाद यह आदेश जारी किया। इसके तहत एजेंसियों के लिए नई सड़कों के किनारे फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाना अनिवार्य कर दिया गया ताकि पैदल चलने वालों को परेशानी न हो। श्रीनगर के मशहूर डल झील और दूसरी झीलों में शिकारे पर सैर के दौरान लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सिलसिले में आदेश जारी किया है जो सैलानियों पर भी लागू होगा। इसका मकसद शिकारे पर सैर के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेटी माहिरा शाह ने मंडला 8 में महारत हासिल करके नया रिकॉर्ड कायम किया है। माहिरा ने दुनिया का सबसे छोटा शिकारा मंडल बनाकर इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। माहिरा शाह ने मंडला 8 में ये कमाल की उपलब्धि हासिल की है। माहिरा ने इस आर्ट से कई शानदार कलाकृतियां बनाई हैं। जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। इस दौरान दूध और उससे बने सामानों के अलावा दूसरे ऑर्गेनिक और एग्रो प्रोडक्ट्स की नुमाइश की गई। इस कार्यक्रम का मकसद प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देना है। इसके लिए कार्यक्रम में उद्यमियों को डेयरी फार्मिंग से जुड़ी नई योजनाओं और प्रौद्योगिकी की भी जानकारी दी गई ताकि वो उसका फायदा उठा सके। मध्य प्रदेश सरकार ने छात्राओं के लिए मां तुझे प्रणाम योजना लॉन्च किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के तहत प्रदेश के 120 बेटियों को वाघा हुसैनी बॉर्डर देखने के लिए रवाना किया। इस योजना के तहत जॉर्डन के युवराज हुसैन और सऊदी कारोबारी खालिद अल सैफ की बेटी राजवा हमसफर बन गए हैं। अमान के जहरान पैलेस में कल धूमधाम से शाही शादी हुई। इस शादी में शाही खानदान के सदस्यों और जानी मानी हस्तियों सहित 140 लोग शामिल हुए। युवराज हुसैन जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला के सबसे बड़े बेटे हैं। शादी की रस्में इस्लामिक रीति रिवाज से सम्पन्न हुई।